और जब तक मैं ऊपर से आई तब तक ये सोकर उठ गया है और आते ही मुझे बता रहा है कि क्रीम वाले बिस्कुट आ रहे हैं। कपड़े पिरा रखे ओ, और उसी के कपड़े बताता है। ये टी शर्ट है तो इसकी, लेकिन और उसी पहनती है ना इसकी टी शर्ट भी। दोनों बहन भाई के कपड़े एक जैसे रहते हैं इनके। तो ये बोलो आज मुझे सुबह से ही, आज आपने मुझे आरुषि के कपड़े क्यों पहनाए? मैंने कहा बेटा ये आपके ही है, आरुषि और आप दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हो। तो तब से इसे वही है कि आरुषि के कपड़े पहना रखे, इसीलिए आप लोगों से भी शिकायत कर रहा है मेरी कि आरुषि के कपड़े पहना दिए। अच्छा बिस्किट लेने कौन गया क्रीम वाले? मम्मा जी। और ये नाना जी को ना मम्मा जी बोलता है। नाना जी। और ये सोकर उठ गया है, कन्नू अभी भी सो रहा है। सुबह के जो है 10 बज गए हैं, धूप जो है बहुत ज्यादा खिलखिलाती निकल गई है। अभी तक हमारा नाश्ता पानी का काम निपटा है और इधर पापा जी ने जो है ताजी मूली ले ली है। मैंने उनसे बोला था, सब्जी वाले भैया आ गए थे कि मूली ले लो, नहीं तो फिर इनके जो है थोड़ी सी धूप लगते ही ना सूखे पत्तियां हो जाती है मूलियों की। और ये है एकदम ताजी, तो मैंने कहा इनपे से ही ले लो। और यहाँ पर मम्मी ने जो है मूली धोकर काटनी शुरू कर दी है। और संजय जी और गुड्डू के पापा जो है चले गए हैं सुबह के टाइम ही नाश्ता करने के बाद में। और अब हम करेंगे अपना काम, मतलब साफ सफाई का सारा काम जो है हमारा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अस्त व्यस्त है मतलब कमरों में भी। अब लगेंगे अपने काम में, बस किचन का थोड़ा सा काम निपटाया नाश्ता बनाने के बाद में, बर्तन साफ किए हैं और थोड़ा सा संगवाना बाकी रह गया है। अभी वो भी गई है नीचे, मम्मी कसी होना है ना, पापा मना कर रहा है कसी हुई काटने को। गोल वाले है ना, तो पापा जी जो है कसकर नहीं बनवाते हैं, मतलब कद्दूकस में नहीं कसने देते हैं इनको। ये बोलते हैं कि इनका सारा पानी निकल जाता है और बस इन्हें हल्का सा उबालते हैं, हल्का सा ही निचोड़ते हैं, मतलब ज्यादा पानी इनका निकालने नहीं देते हैं, पतली सी भुज्जी खाते हैं। हाँ, गोल वाले चंदे काट के इस तरीके से। और एकदम ताजी मूली है ये, एकदम फ्रेश वाली देखो। और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, जितने भी जॉइंट है उनमें दर्द रहता है ना, तो इस वजह से मम्मी जो है ज्यादातर सब्जियां काटना सारे काम चारपाई पे बैठ के ही करती है या फिर कुर्सी चाहिए होती है उन्हें। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी शाम के 5:30 बजे हैं और हम घर से निकल लिए हैं भ्रमण के लिए और आ पहुंचे हैं यहाँ पर खेतों की साइड में सेक्टर पर, जो हमारे गांव का सेक्टर है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला है, तो बच्चों को दिखानी है मशीनें, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर मशीनें कुछ नहीं है, वो चली गई है पीछे तक काम करके, आगे काम अभी नहीं हुआ है। यहाँ तक जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ तक बनेगा ये सेक्टर। और ये आ गए हैं सारी बच्चा पार्टी मेरे साथ में, आज बॉबी भी आई है। अभी पहले बॉबी से घर पर कुछ खिला पिला रही थी जब मैं चली थी घर से, तो फिर ये बोला कि मुझे मौसी के साथ ही जाना है। तो चलो जी घुमा के लाते हैं इन बच्चों को। डांस करो दोनों भाई, डांस करो, चलो करो भंगड़ा, करिए भंगड़ा। ढूम ढूम लक लक, ढूम ढूम लक लक, ढूम ढूम लक। ये दोनों बिस्किट लेकर आए अपने, एक पार्ले जी और क्रीम वाला, और दोनों खा रहे हैं। कन्नू बोल रहा है हमें और घूमना है, हम बोल रहे हैं हमें घर का भी काम करना है, घर चलते हैं। घर का काम तो मम्मा जी कर लेंगे। अच्छा मम्मा जी कर लेंगे जब उसकी बहने आ रही। पतासा पतासा कहाँ था है? अच्छा चल आ जा, तो घर से मिलेंगे और पतासे आ जा। आज जो है वंदना डॉक्टर के यहाँ पर गई थी और छोटी गुड़िया हमने अपने पास में ही रख रखी थी, क्योंकि बस आना जाना था डॉक्टर के यहाँ पर दिखाकर। और दवाइयाँ अभी उसकी चल रही है, इंजेक्शन भी चल रहे हैं, और वैसे डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ ठीक ठाक है और कुछ दिन बाद जो है बिल्कुल ये मतलब थोड़ा थोड़ा सा बच्चे का काम भी करने लगेगी। अभी भी वो बैठने लगी है, चलने फिरने लगी है, और जो बच्चे की जरूरत के सामान होते हैं वो खुद से ही उठा लेती है, हम उसके पास में रख देते हैं। और ये लोग जो है घंटे में ही आ गए थे, उसके बाद में जो है मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े जो है मैंने लेट धोए थे आज। तो चलो जी अभी कपड़े सूख गए हैं और बैकग्राउंड में यहाँ पर जो है चिड़ियाओं के चहचाने की बहुत अच्छी आवाज़ आती है, एकदम नेचुरल आवाज़ आती है। और मुझे लेकर आने हैं अभी छत पे से कपड़े सूखे हुए उतार कर, और अभी जो है शाम के 6:30 बज गए हैं, अभी थोड़ा सा जो है अंधेरा भी हो गया है ये देखिए। और ये जो टावर है ना यहाँ पर इतने सारे पक्षी इस टाइम आकर बैठ जाते हैं, और आप लोग जो है इनके चहचहाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। जितने भी यहाँ पर आसपास में पेड़ पौधे हैं सब पर बुगले, चिड़िया, कौवे, बहुत सारे पक्षी, जल मुर्गी तक यहाँ पर घूमती रहती हैं, क्योंकि पास में ही हमारे घर के इस साइड में तालाब है। तो चलो जी सूखे कपड़े लेकर आते हैं, फिर बनाएंगे तय। और खाने में पूछते हैं, आज खाने की ड्यूटी जो है बॉबी ने अपनी लगा लिया है, क्योंकि कन्नू जो है आराम से अपनी नानी के पास लेट गया है।
हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए मैं बना रही हूँ आज लौकी। लौकी? अच्छा। हम के टाइम वैसे भी खाना सब कम ही खाते। और पैर में जो है वंदना और मम्मी खाना खाकर चले गए थे, लेकिन रवि बोल रहा था कि मैंने थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो इसलिए अभी मुझे भूख नहीं है। जब मैं वहाँ से आ जाऊँगा शामली से, तब खाना खाऊंगा। तो उसने आने के बाद में खाना खाया था। उन लोगों को 3:30 बज गए थे। और एक कमाल की बात, हमारी छोटी सी गुड़िया ने हमें इतना सा परेशान नहीं किया। जब से गए थे तब उसको सुला कर गई थी वंदना हमारे पास में, और हम लोग अपना काम भी करते रहे और तीनों बच्चों को भी हमने ध्यान से रखा, मतलब बढ़िया तरीके से। और ये गेट अब जो है हम लोग ज़्यादातर बंद रखते हैं कन्नू की वजह से। कन्नू ताका जाके ज़्यादा करता है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली पाल फैमिली में। अभी सुबह के जो है 10 बज गए हैं और दिन है आज शुक्रवार का, 1 अक्टूबर। और ये देखिए, ये जो है बेड पर खेलता रहता है। ऊपर से पंखा चल जाए और इसे एक बेड मिल जाए तो ये पूरा दिन वहीं पर अपना गुजार देता है। इस तरीके से इसका टाइम पास हो रहा है। और कन्नू जो है अपने नाना जी के साथ में 2 बार जो है घूम कर आ गया है साइकिल पर। उसे साइकिल पर बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है और अभी भी वो नीचे ही है। तो चलिए इससे कुछ सवाल करते हैं आज। इसका कैसे मन लग रहा है यहाँ पर अकेले का कन्नू के बिना? अगर ये थोड़ी देर के लिए दोनों एक जगह हो जाते हैं तो इनकी फाइट हो जाती है। जी लग रहा तेरा? ये देखिए, इसने एरोप्लेन बना दिया है। दिखाओ जरा एरोप्लेन अपना। देखो इस पे पबजी वाला बैठा, इस पे भी पबजी वाला बैठा। ये बच्चों को पबजी देखने का शौक कहाँ से लग गया? मुझे पबजी पसंद लगता है। ये पबजी वाला बैठा है, अरे ये हाथी इनके पीछे पड़ रहा है झूठो मुट्ठो का। झूठो मुट्ठो का? अरे ये इस पे बैठ के गोली ले रहा है अपने हाथ में बंदूक। अच्छा जी। और आपने नाश्ता कर लिया? हाँ। क्या खाया? ये गोली चला रहा है, हाथी के जल्दी भगाओ। खा गया उड़ने का पतन पाया सूट। क्या खाया आपने ये बताओ? रोटी। अच्छा। तो जी सबसे बड़ा सवाल कि हम लोग जो हैं इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 15 दिन हो जाएंगे वंदना को, और फिर जो है मम्मी धीरे धीरे से काम कर लिया करेगी। और इसकी देखिए कितनी ओवर एक्टिंग चल रही है, मतलब पूरी फुल मस्ती कर रहा है ये। स्कूल में तो इसे जाना नहीं होता है, और जो मैंने इसकी बुक्स ला रखी है उसमें भी इसे कुछ पढ़ना नहीं होता है। वो रखी है उस दिन से बुक्स भी, बॉबी ने भी कन्नू का बैग और बुक्स ला रखी है, लेकिन ये दोनों पढ़ते नहीं है। उधर रखी अलमारी में, अभी देंगी। तो अभी ये दोनों जो है मौज मस्ती कर रहे हैं अपने नाना के घर। और देखिए जी, हम दोनों जो है एक साथ इसलिए आए हैं, हमारे दोनों बच्चों का जो है एक साथ मन लग जाए। अगर हम अलग अलग आते तो दोनों का मन बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जब वंदना हॉस्पिटल में थी तो आरुष का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी खेलने वाला नहीं मिल रहा था। तो अभी जो है 10:30 बज गए हैं, अब मैं करूंगी खाना बनाने की तैयारी। खाने में मुझे बनाना है कढ़ी और चावल, और वंदना के लिए बनेगी मूंग की दाल। तब तक जो है बॉबी नीचे की सारी साफ सफाई करके आ जाएगी। मैंने ऊपर का सारा काम जो है निपटा दिया है, बस कपड़े धोने बाकी रह गए हैं। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये अचानक से ही आई थी मशीन। ये जो है धुआं छोड़ते रहते हैं, मक्खी मच्छर, मतलब ये सारी चीज़ें जो है नष्ट हो जाएं। और ये कर दिया इन्होंने पूरे, मतलब उसमें जो है गली में पूरे घरों में धुआं ही धुआं हो गया है। और देखिए गाइस, पहले के टाइम में जो है बच्चों के अलग अलग रूम नहीं होते थे। हमारा सिर्फ जब हम यहाँ पर, मुझे इतना याद है जब से मैंने वो संभाली थी, कि हमारा नीचे की साइड में एक रूम था और एक छप्पर था। छप्पर में हमारे पशु बनते थे, और एक ही रूम में हम लोगों की किचन थी, उसी में सारा सामान था, उसी में हम लोग लेटते थे, जो नीचे का रूम है। और ये जो मकान है हमारा पुराने टाइम का ही बना हुआ है। और जब मैंने 10th कर ली थी और मैं आई थी 1st ईयर में, तब हमारे ये ऊपर वाले रूम बने थे, और ये भी पुराने टाइम के ही बने हुए हैं। ये देखे, इनमें अभी तक भी कड़ी है, जो लकड़ी की कड़ी होती है ना, वो है, लेंटर के नहीं है। नीचे वाले जो मकान है, ये वाले, ये भी लेंटर के नहीं है, ये जो है ये डाट के बने हुए हैं। पहले मकान पता नहीं किस तरीके से डाट से बनाए जाते, ईंटों से, तो उसी की इसकी छत है। अभी तो प्लास्टर वगैरह हो रहा है तो उससे दिखाई नहीं देता है, नहीं तो उसमें अभी तक भी ये ईंटें चमकती थी। और पहले इतने सारे रूम नहीं थे, अभी तो छोटे छोटे बच्चों को ही, हमारे गुड्डू चिंकी को देख लीजिए, और भी सारे बच्चे हैं बहुत सारे, आप सबके घर में भी होंगे, तो वो सब जो है बोलते हैं कि हमारा कमरा कौन सा है। अभी के टाइम में जो है बच्चों को
छोटे छोटे हैं बच्चों को ही अलग अलग रूम चाहिए होते हैं, लेकिन पहले बच्चों को इतना वो नहीं था कि हाँ हमें अलग रूम चाहिए, हमें अलग अलग कमरों में ही सोना है, वहीं पर हमारा सामान रखना है, वो हम लोगों में कुछ भी नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हाँ अलग अलग रूम भी होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उन्हें सब चीज़ें जो हैं अलग अलग चाहिए होती थी। पहले एक ही थाली में खा लेते थे, एक ही बैग में बुक्स ले जाते थे हम लोग, एक ही तख्ती से पढ़ लेते थे, स्लेट से पढ़ लेते थे। लेकिन आज के टाइम में जो है सब चीज़ें बच्चों को अलग अलग चाहिए होती हैं। और ये हमारे रूम बाद में बने, फिर भी बन गए थे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इस रूम में सोए हैं, इसी में बैठकर खाना खाया है, इसी में बैठकर पढ़े हैं। ये बड़े वाला जो रूम है, उधर दो छोटे छोटे रूम हैं जिसमें वंदना लेटी हुई है, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं जाते थे, सबसे ज़्यादा सामान हमारा उसी में रहता था, कपड़ों की तह वगैरह सब कुछ, बिस्तरे वगैरह सब हम उसी में रखते थे। तो जी फिलहाल के लिए मेरा और बूबी का रूम जो है यही है, इसमें ही हम सोते हैं, इसी में बैठकर खाते हैं और यहीं पर टीवी देखते हैं। और ये टीवी तो वंदना का है, लेकिन हमारे जो हमारा पुराना टीवी है पापा के टाइम का, जिसे हम देखते थे, जिसमें हम सीरियल देखते थे, जिसमें पापा जी न्यूज़ देखते थे, वो वाला टीवी भी अभी नीचे लगा हुआ है, उसे पापा जी देखते हैं अभी भी। मैं दिखाऊंगी आपको, छोटा सा टीवी है, वो वाले टीवी तो अब देखने को मिलते ही नहीं बिल्कुल भी, और ना ही उनका सामान मिलता होगा, मैं ये गारंटी से कह रही हूँ। वे तो मच्छर और मक्खी को मार देते। और उससे क्या हो रहा था? उससे तो गोश्त वाला बना रहे भी। तो अभी आप क्या कर रहे, एक अंगा खराब करोगे क्या? मैं एक घर बना रहा है, इसको काट के। अच्छा, लकड़ी काट रहे हो आप ऐसे, और एक अंगा खराब हो जाएगा भाई। अभी जब आप घर चले जाओगे तो स्कूल में तो चले जा करोगे? हाँ। ठीक है, कटा नहीं ये बेटा, ये कंघा खराब हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है? ये टाइट है। हाँ ये टाइट है, आप आराम से खेल लो। ओके, तोड़ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, बस अब इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक करने में बिल्कुल भी लालच मत कीजिए, उसमें किसी का कुछ नहीं जाता है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आजकल जो है आप लोग लाइक में और शेयर करने में जो है थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, तो इसलिए जमकर लाइक कीजिए और जमकर ही शेयर कीजिए। और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली की नई नई वीडियो, अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।